अफेक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा के तहत पहुंचे हैं मेड़ता, जो कि नागौर जिले की एक विधानसभा है, एससी रिजर्व सीट है, और यहां से मौजूदा विधायक है इंदिरा देवी बावरी, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक है और अब की बार मौजूदा प्रत्यक्ष भी है, उम्मीदवार भी है आरएलपी पार्टी से। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा से यहाँ से उम्मीदवार है लक्ष्मण राम कलरू, और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ से वो उम्मीदवार है शिव राम वाल्मीकि। यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे कि मेड़ता में इस बार क्या समीकरण देखने को मिलेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और कौन विधायक बनेगा, किसको विधायक देखना चाहोगे। तमाम जो सवालात जवाब होते हैं वो यहाँ की जनता से हम सीधे पूछेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। तो विश्वविख्यात मंदिर है मीरा बाई का, और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जो विधायक को लेकर सवाल जो जवाब है वो पूछेंगे हम यहाँ की जनता से। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक गट्टा है, इनसे बातचीत करते हैं, सीधे जुड़ते हैं इनसे। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपालाल। चंपालाल जी, कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस ओर जाओगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? हम तो भाजपा के है और भाजपा को ही देंगे और भाजपा के लिए कोशिश करेंगे। लक्ष्मण राम कलरू की तरफ? हाँ जी। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है आरएलपी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव रहा है नागौर जिले की सीट पे, तो अब की बार भी इंदिरा देवी बावरी विधायक की उम्मीदवार है, क्या उनकी तरफ नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे। कैसा काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे? अरे काम क्या होगा, हमको उसके नहीं देना, हमें तो मोदी के हाथ मजबूत करना है, इसलिए बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी को वोट देना है? हाँ, ये बड़ी वजह है, यही बड़ी वजह है। और बीजेपी को क्योंकि राष्ट्र का है, राष्ट्र का भला करेगा वो, इसलिए हमको उसको मोदी के हाथ मजबूत करना है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, इस बार आरएलपी की थी तो हमारे मेड़ता में कुछ काम नहीं करवाया उसने। हमारे यहाँ तीन समस्याएं हैं मेड़ता में, एक तो ट्रेन की, एक हॉस्पिटल की और एक शिक्षा की, ये तीनों समस्याएं हैं। इसने कोई काम नहीं किया, गाँव में इसने जरूर पैसा दिया है, गाँव वाले देंगे, पर यह मेड़ता में उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक आपने ट्रेन की समस्या बताई, एक हॉस्पिटल की समस्या बताई, और एक उसकी शिक्षा की। शिक्षा की? स्कूल नहीं है? स्कूल तो है पर स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में टीचर्स नहीं है, फिर क्या मतलब? फिर जी, आपका क्या नाम है? मिश्री लाल जी। मिश्री लाल जी, चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल शांत है बिल्कुल, कोई चहल पहल नहीं है, अभी बिल्कुल ठंडा बसता है, चल रहे हैं लोग अपने अपने विचार से। अच्छा, किसकी तरफ जाओगे आप? अभी तो हम बीजेपी की तरफ ही हैं। भाजपा की तरफ? हाँ। अच्छा, जो पिछली बार लक्ष्मण राम कलरू थे वो 44,000 वोट लेके वो निर्दलीय थे और दूसरे स्थान पे आए थे वो। अच्छा, उनको टिकट नहीं मिला था। आपको कुछ जानकारी दे दे कि इस विधानसभा में 280,000 वोट है। 280,000 वोट है और एससी रिजर्व सीट है, और पिछली बार यहाँ से विधायक थी इंदिरा देवी बावरी, जो कि अभी भी उम्मीदवार हैं, और लक्ष्मण राम कलरू जो उम्मीदवार है यहाँ से, वो अब की बार टिकट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी। क्या करते हो सुनील जी आप? हम बिजनेस। बिजनेस? चुनाव होने वाले हैं? होने वाले हैं। तीन उम्मीदवार है आपकी इस विधानसभा में, बाकी भी और पार्टियों से है, कोई निर्दलीय है, कितने उम्मीदवार है टोटल? कुल चार है, चार बचे हैं। अब चार बचे हैं जी, तो किसका पक्ष आप ले रहे हो? हनुमान मैंने वाला, इंदिरा देवी बावरी आरएलपी। अच्छा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हम हनुमान मेनीवाल के फैन हैं, उन्होंने जब भी हमारा काम होता है विकास भी करवाया है, मेड़ता क्षेत्र में बहुत सारा विकास करवाया सब जगह पे, इसलिए हम इंदिरा देवी बावरी का समर्थन करते हैं। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे अभी भी, जो मुद्दे कुछ बचे हुए हो? जो भी मुद्दे हैं वो इंदिरा देवी बावरी अब की बार कर देगी, पिछली बार भी किया था, अब की बार और कर देगी, हम तो हनुमान बेनीवाल के वोट देंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को वोट दोगे? अच्छा, आपका क्या नाम है? श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या करते हो आप? मैं खाद बीज की दुकान करता हूँ। खाद बीज की? अच्छा, क्या माहौल है इस बार मेड़ता में? आरएलपी का है, हमें गाँव में है ना, सिटी के अंदर बीजेपी के वोट है, और बाकी आप जब गाँव में, गाँव के अंदर फिरोगे ना, तो गाँव के अंदर दोनों का सुपड़ा साफ है,
जैसे 50,000, जैसे 5,000, जैसे मेरे गांव डांगावास में 7-8,000 वोट है, तो कम से कम 5-6,000 वोट आरएलपी को मिलेंगे और बाकी सारी पार्टियों को कम मिलेंगे वोट। कम मिलेंगे। हाँ। आपका कहना क्या है कि शहरों में माहौल भाजपा का है, गांव में आरएलपी का है? नहीं, शहर में भी है, आपकी बात आरएलपी का, कांग्रेस और बीजेपी का भी है, साथ-साथ आरएलपी का भी है, आरएलपी का है। पिछली बार आरएलपी को 600 वोट मिले थे, अब की बार बहुत सारे वोट मिलेंगे सिटी के अंदर भी, अब की बार मिलेंगे आपको, अब की बार फुल वोट मिलेंगे। युवा भी है, आरएलपी जीतेगी, पिछली बार 13,700 से जीती थी, अब की बार 26,000 से जीतेगी। आप डबल बता रहे हो आंकड़ा, क्या नाम है आपका? रविंदर सांकला। आपका क्या मानना है रविंदर जी? हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और उनको वोट देंगे और कांग्रेस को हर घर घर कोने कोने से सौंपड़ा साफ करेंगे इस बार। अच्छा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत है यहाँ से तो, और इस बार पूरा विकास हो जाएगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। सरकार भाजपा की बनेगी और आपका विधायक भी भाजपा का बनेगा? बनेगा। हाँ। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है इंद्र देवी बावरी, उन्होंने क्या काम करवाए हैं? अरे भैया कैमरा देखिए, क्या काम करवाए हैं, क्या काम नहीं करवाए? करवाए भी है और कई काम अभी बाकी भी है, जो भी हुआ भी नहीं है, जैसे 100 बेड का हॉस्पिटल है और ट्रॉमा सेंटर है, ऐसे बहुत काम है वो जो अभी नहीं हुआ है, बाकी अभी भी। हाँ, बाकी है। अच्छा, ट्रेन का बड़ा मुद्दा है, क्या नाम है आपका? मनीष जी। मनीष, काफ़ी मनीष मिल रहे हैं, मेरा नाम भी मनीष ही है। अच्छा। क्या काम करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? वोट डालते हो? वोट डालते हैं। पहला वोट है, दूसरा क्या? नहीं, पहला वोट है मेरा विधानसभा में। अच्छा, विधानसभा में पहला वोट डालोगे तो बड़ा सोच में के डालोगे? हाँ। किसको डालोगे? बीजेपी, मोदी। मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर डालोगे या उम्मीदवार को ध्यान में रखकर? नहीं, मोदी के चेहरे के ऊपर। मोदी के चेहरे? हमें उम्मीदवार से कुछ मतलब नहीं। यहाँ क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं मेरठा सिटी में। क्या मुद्दे हैं? जैसे 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर बताया था अभी, सड़कें का बहुत लेके समस्या चल रही है अभी, पर इंदिरा जी ने अभी कुछ नहीं किया है, गाँव में किया है, उनका क्षेत्र था वहाँ पे काम किया, अभी यहाँ मेरठा सिटी में कुछ काम किया नहीं। अच्छा। और शिक्षा की, जैसे टीचर नहीं है कॉलेज में, अभी पढ़ाने के लिए कुछ टीचर नहीं आते हैं, ये बातें हैं। उन्होंने गाँव में किया, अपना जगह किया, और यहाँ पे मेरठा सिटी में कुछ काम नहीं किया। टक्कर किस में होने वाली है? टक्कर तो मेरठा में तो लक्ष्मण जी और एलएलपी की दो ही है। अच्छा। जो इंदिरा देवी बावरी और लक्ष्मण राम कलरू के बीच में टक्कर होगी। आपका क्या नाम है? विष्णु प्रकाश। विष्णु प्रकाश जी जी। अच्छा, बड़ा तेज नजर आ रहा है आपके चेहरे पे, क्या साधना करते हो? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भजन करते हो? हाँ। भगवान के? हाँ। अच्छा, तो यहीं के हो? मीरा नगरी मेड़ता के? यहीं के। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं। हाँ। कुछ दिन बाकी है बस। हाँ, हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि जनता क्या सोच रही है, रुख क्या रहने वाला है जनता का इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ या आरएलपी की तरफ जाएंगे? आप कहाँ जाओगे? हम तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ। हाँ, शुरू से ही उसी में है। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या है? मुद्दे तो बहुत है, ट्रेन जैसे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक ट्रेन है, ट्रेन पहले चलती थी, अभी उसको बंद कर दी गई है नेता लोगों ने, समझ गए? अब उसके लिए वो बहुत मुद्दा है कि भाई उसको वापस चालू करें, कभी होता है कभी। ये मेड़ता सिटी है और मेड़ता रोड कुछ दो, ये मेड़ता रोड नहीं, ये मेड़ता सिटी है, कुछ दूर मेड़ता रोड है, वहाँ पे ट्रेन का आवागमन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पहले रेल बस चलती थी। हाँ, रेल बस चलती थी, वापस बंद कर दिया। पहले ट्रेन थी, फिर रेल बस हो गई और फिर उसको बंद कर दिया गया। हाँ, समझ गया ना, ये गद्दा सवेरे सवेरे आता है। ट्रॉमा सेंटर का बोला आपने, ट्रेन का बोला, और भी है, जैसे स्कूलों के हैं, कॉलेजों के हैं। सीवरेज? हाँ, मेड़ता सिटी में आज से 10 साल पहले कहा था सीवरेज आएगी, अभी तक नहीं हुआ कुछ। आईटी है, बहुत है मुद्दे। तो आप क्या बोल रहे थे अभी? नहीं, मैं तो क्या बोल रहा था, वो ट्रॉमा सेंटर का काम पहले रुका हुआ था, बंद पड़ा है, अबकी बार वापस इंदिरा देवी बावरी का सरकार आ जाएगी तो बन जाएगा, सब काम हो जाएगा, मुद्दा पूरा हो जाएगा। आपका भैया? मेरा नाम नरेश। क्या रुक रहने वाला है मेड़ता की जनता का? अब की बार आरएलपी। आरएलपी? आरएलपी। अच्छा, इंदिरा देवी बावरी? इंदिरा देवी बावरी जो मौजूदा विधायक है। तो यहाँ पर जो रुक है वो दो लोगों में, दो व्यक्तियों में टक्कर बताई जा रही है। एक है लक्ष्मण राम कलरू जो कि भाजपा से उम्मीदवार है, और दूसरी महिला है जिनका नाम है इंदिरा देवी बावरी जो कि मौजूदा विधायक है, आरएलपी पार्टी से उम्मीदवार है। अब देखना रोचक होगा कि इस विधानसभा में क्या तस्वीर देखने को मिलती है। चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। मंदिर के सामने एक कॉस्मेटिक की दुकान है, मंदिर के सामने, और यहाँ पे कुछ युवा है, एक दुकान में बैठे हुए हैं, मालिक है, इनसे बातचीत करते हैं कि मेड़ता में
मुद्दे क्या है, किस चीज़ की समस्याएं आ रही है यहाँ की जनता को, और यहाँ की जनता क्या निर्धारित करने वाली है, क्या तय करने वाली है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामनग अग्रवाल। रामनग अग्रवाल। अच्छा, क्या काम करते हो यहीं दुकान? बिजनेसमैन हो आप। चुनाव होने वाले हैं, चंद दिन बाकी है, क्या निर्धारित होगा यहाँ? हमारे तो जो मेड़ता में हमारी मेड़ता को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो अगर बढ़िया काम करें हम तो उनको जिताना चाहते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर मत दो, क्या तय करने वाले हो आप कहाँ जाओगे? हम तो फूल हाथ या बोतल, हमारे ध्यान में तो पूरा देखे तो बीजेपी आना चाहिए। मोदी बताइए ना, कोई मोदी जी भाजपा। बैठिए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा तो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप, लग भी रहे हो आप कुछ आनंद स्वरूप जैसे। पंडित जी हो? अच्छा, इस मंदिर की पूजा इससे ऊपर वाला? अच्छा, किसका मंदिर है? सत्यनारायण भगवान का। अच्छा, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हो? अच्छा, तो क्या होने वाला है, क्या तस्वीर रहने वाली है मेड़ता की? मेड़ता की तो देखो जोर तो दोनों रो चाल रही है पार्टियां रो। अबे माँ का कोशिश हूँ तो देखो सर, कांग्रेस की कोशिश है निकल बाजी। अच्छा, देखो कांग्रेस की तरफ जाना चाहोगे आप? अभी तक कांग्रेस ने किसी ने नहीं बोला यहाँ पे, भाजपा और आरएलपी का बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रामराज। रामराज, रामराज अग्रवाल। रामराज अग्रवाल जी, आप कहाँ जाओगे? बीजेपी जोर है हमारे तो भाजपा मोदी जी। पिछली बार जो उम्मीदवार है भाजपा से लक्ष्मण राम कलरू, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 44,000 आसपास वोट आए थे उनको, और निर्दलीय लड़के उन्होंने इतने वोट हासिल किए थे, दूसरे स्थान पे रहे थे। अब की बार भाजपा ने उनको टिकट दिया है, तो क्या आप इस अच्छी स्थिति फर्स्ट में बीजेपी निकलेगी मेड़ता से? बीजेपी निकलेगी। और सेकंड में तो कांग्रेस ही है, और थर्ड में बोतल। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि आरएलपी में और बीजेपी में टक्कर होगी। बोतल में इसमें, कांग्रेस में नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ, तो बरोबर ही टक्कर बरोबर ही है सब तीनों के। अच्छा, लेकिन हम तो इसको उम्र से ज्यादा फर्स्ट में ही इसका निकल। क्या नाम है? रमेश चौहान। रमेश चौहान, हाँ। क्या काम करते हो? जूस की दुकान है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप बैठे हुए थे? हाँ। चले गए? हाँ। ग्राहक आए थे? बिल्कुल। अच्छा, चुनाव होने वाले? बिल्कुल। क्या तस्वीर रहेगी? तस्वीर जो है सामने आ रही है, आप बताइए। हम तो क्या पूछ रहे सामने, सुनड़ी बतावा कि मन की बतावा? दोनों बताओ, पहले मन की। पहले मन की। मन की तो कांग्रेस है। अच्छा, मन की कांग्रेस। हाँ। और जो सुनने में को मिल रहा है वो? सुनने को बीजेपी। बीजेपी, बिल्कुल। तो किस पे मतलब विश्वास किस पे करें हम, सुनने को जो मिल रहा है या मन की? नहीं, सुनने में जो सुनने कहते हैं, सुनने सबकी करो मन की, तो पहले बीजेपी है। एक चाय की दुकान पे मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे क्या तस्वीर रहने वाली है। सबसे पहले आप तक आते हैं, थोड़ा भैया साइड हो जाइए। चाय बन गई क्या? ओके, चाय तैयार हो रही है। तैयार हो रही है। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, कहाँ जाओगे, भाजपा, कांग्रेस या फिर आरएलपी? साहब, हम तो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस ने कितना फायदा किया है और फायदा होने वाला है, ये जनहित में कितना फायदा कर रही है ये सरकार। अच्छा, हाँ, इसलिए हम तो इसको सहयोग करेंगे, गरीबों के हित की पार्टी है ये कांग्रेस। कांग्रेस ये गरीबों के जनहित को सोचती है, कितना फायदा किया है लोगों ने। सात गारंटी की घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो इनके पास है ये। क्या आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो क्या? नहीं नहीं, हम तो लोकल मेड है जी, हमें कोई किसी पार्टी लेना नहीं है, जो पार्टी फायदा करती है हम उसके सहयोग है। अच्छा, जो गरीबों को सोचने वाली पार्टी है, सोचने वाली है, ठीक है। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, चुनाव होने वाले हैं, युवा हो, क्या चाहते हो आप? कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ। आप भी कांग्रेस? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसे ही कुछ मुद्दे तो होगा, कुछ कारण होगा? नहीं, कुछ कारण नहीं है, समाज के लिए। समाज के लिए? हाँ। कौन से समाज के लिए? ये हम वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि हो तो वाल्मीकि समाज के उम्मीदवार को चुनोगे आप? हम तो कांग्रेस को। कुछ युवा मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं अभी तो। चुनाव में चंद दिन बाकी है, कहाँ जाओगे, भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी? इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे हम तो।
राजस्थान एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट करानी है। अच्छा, अशोक गहलोत के कार्य को देखते हुए इस बार मेड़ता विधानसभा में चिमनाराम वाल्मीकि को वापस लाना चाहते हैं। यही कहना है, योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी, तो आप कांग्रेस के साथ जाओगे। क्या नाम है आपका? रवीश। क्या काम करते हो? वोकेशनल टीचर है। वोकेशनल टीचर। अच्छा, वोकेशनल टीचर हो आप। चुनाव होने वाले हैं, मेड़ता से ही हो आप? जी बिल्कुल, मेड़ता से ही। क्या तस्वीर देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को? कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए, अच्छा काम किया है। और ये जो चिमन वाल्मीकि को, ये हम तलाश करते हैं कि कौन विपक्ष और कौन पक्ष का मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपमाराम चौधरी है। उपमाराम चौधरी जी, क्या काम करते हो? फाइनेंस लाइन में हूँ मैं। अच्छा, क्या आप सहमत नहीं थे इनसे? बिल्कुल नहीं है, बताओ ना। अच्छा, ये आप क्या मेड़ता नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड है, बताओ शहर में क्या काम है? आप क्या चाहोगे यहाँ पे? कांग्रेस नहीं आनी, कुछ भी आ जाए, RLP आए, BJP आए, कोई भी आए, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप क्या एक चाहोगे ना, वोट तो एक ही पार्टी को दे पाओगे, एक ही उम्मीदवार को दे पाओगे? जहाँ जिधर हमारा समाज झुकेगा उधर जाएंगे। कौन सी समाज से ताल्लुक? हम जाट हैं। जाट हो? बिल्कुल। अच्छा, माना जाता है कि अच्छा रवैया रहेगा। अभी 4 दिन पड़े हैं ना, समीकरण 4 चेंज होंगे अभी। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कांग्रेस ने काम किया तो बताओ कहाँ किया, बताओ तो ये बताया। वो अंकल देना वो पेपर कौन सा है, किसी इसको किसी को पूछ ले, 7 बता रहे हैं गारंटी 7। अरे हाँ, सात कोई है नहीं, नहीं। पास पूरी 7 गारंटी आई है? अरे सर भैया, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, सब फर्जी दुकान है ये। नहीं, ये तो उन्होंने कुछ गारंटी उन्होंने दी है, लेकिन ये इन्होंने ऐलान किया चुनाव से पहले। 5 साल में भी करी होगी ना, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस ही, चाहे यहाँ तो आपको बता देता हूँ। चलो इसको लेकर बता देता हूँ, अभी खड़गे और मोदी की, सॉरी मोदी जी की रैली अच्छी हुई थी, खड़गे और ये राहुल गांधी की रैली हुई थी, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी वहाँ पे। आप लोग हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल रखते हो, हम तो वह सोशल मीडिया देखते हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी खबर दिखाई थी कुर्सी है ना, तो हो सकता है हमने आपके थ्रू देखी होगी, खाली पड़ी थी कुर्सियाँ, पता है? और ये किस मुँह से वोट मांग रहे हैं? आओ तो सही, कांग्रेस को वोट मांगने बताऊंगा उनको मैं। ठीक है, चलो कांग्रेस की तरफ नहीं जाओगे, जाओगे कहाँ, भाजपा या फिर RLP? भाजपा या RLP दो ऑप्शन है हमारे पास, हम पुराने भाजपा से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। और इस बार जो होगा, जो जीत में होगा, जो अच्छा होगा, जो शुरू में पिछड़ा, देखा जाएगा आगे क्या कर सकता है, उससे पूछेंगे जो हमें अच्छा देगा। तो 5 साल हो चुके हैं RLP पार्टी से मौजूदा विधायक थी इंद्रा देवी बावरी। गांव में अच्छा काम हुआ है, गांव में अच्छा काम हुआ है, RLP ने कुछ नहीं करा, RLP ने सिर्फ गुंडागर्दी पार्टी बन गई है, ये है सही बात। मैं बताऊँ आपको, ये केवल गाँव में इतना माहौल है RLP का, और RLP ने विकास भी किया है। सिटी में BJP है, अच्छी बात है, गांव में देखो गुंडागर्दी वा गलत बात है, किसी आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल गलत नहीं लगाना, सही बात है। कोई एक आदमी गिर गया नीचे, अरे अभी कैमरा चल रहा है अंकल यार, ऐसे मत करो, असल चल रहा है, देखा तो सही गया था, बस से कोई आदमी गिर के खत्म हो गया था, 4 हमारे जाट समाज के नौजवानों को सस्पेंड कराया था इसने, इंदिरा बावरी ने, समाज के प्रति, ये हमारे समाज के वोट लेके जीती थी, इसने हमारे जाट समाज से आते हैं, इसने हमारे लिए कुछ नहीं करा। तो जाट समाज तो RLP के साथ माना जाता है, लेकिन हम नहीं है मेड़ता से RLP के साथ, हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, लेकिन इंदिरा के साथ हम नहीं है। इंदिरा ने कुछ नहीं करा, हमारे जाट समाज को मूर्ख बनाया, हमारे 4 जनों को सस्पेंड कराया इसने, नौकरी से बाहर निकलाया। कुछ जातिवाद करके, क्या नाम है आपका? सुशील बादू। इंदिरा जी थोड़ा साइड हो जाइए, जातिवाद किया था। क्या नाम है आपका? सुशील बादू। सुशील बादू, अच्छा क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, खेती का ही करते हैं, खेती किसान हो। क्या मानस रहेगा इस बार, कहाँ जाओगे? अभी तक कांग्रेस RLP, हम तो जाएंगे तो भाजपा में, क्योंकि मेरे गांव का खुद प्रत्याशी है लक्ष्मण राव मेघवाल। अच्छा, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है स्थिति, लोग देख रहे हैं 2 दिन माहौल, RLP और देखेंगे 3-4 दिन, जहाँ समाज का होगा जो वही जाएंगे, समाज के साथ रहेंगे बस, समाज के साथ। अच्छछा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है RLP और जाट समुदाय से वो खुद आते हैं। थर्ड ऑप्शन होना भी चाहिए, एक तरफा माहौल नहीं होना चाहिए। हार्टलैंड माना जाता है जाटों का, वहाँ पे उनका काफ़ी प्रभाव है, अच्छा खासा प्रभाव है, और जाटों को साथ लेकर वो मतलब 36 कौम का तो वो दावा करते हैं, हालांकि वो जाटों का कुछ विशेष झुकाव भी रहता है उनकी पार्टी की तरफ। आप भी जाट हो तो आपकी बार क्या जाट RLP के साथ ही जाएगा? मेड़ता विधानसभा में देखो बताऊँ तो यहाँ पे इस बार जाटों के साथ मुस्लिम समाज भी जुड़ा है, काफ़ी जुड़ा है। अब ये मुस्लिम समाज और जाट समाज ही तय करेगा किधर जाना कहाँ जाना, ये लोग जहाँ झुकेंगे 3-4 दिन में वही सीट निकलेगी, वही पार्टी का कैंडिडेट निकलेगा। हमारे जाट समाज के जो बुजुर्ग नेता हैं सारे के सारे चिमन वाल्मीकि के साथ में है, हमारा जो समाज के बुजुर्ग नेता है उनके साथ हम जाएंगे, हमारे समाज की मीटिंग बुलाई गई है जाट हॉस्टल में, और हम समाज के कांग्रेस के ठेकेदार बावनी को नहीं बढ़ने देंगे, हमारे समाज जाट समाज नेता जाटों के साथ जाएगा, बावनी हमारे समाज की नेता थोड़ी है।
हम कोई उससे कोई लेन देन ही नहीं है। अच्छी बात है, पर जाट के समाज के नेता वो भी तो नहीं है जो कांग्रेस में बैठे हैं। खुले तौर पे बताइए, आप आरएलपी के साथ जाओगे? कुछ नहीं किया, क्या किया उन्होंने? आप आरएलपी की तरफ जाओगे या फिर भाजपा की तरफ? देखो, हम अभी तीन चार दिन वेट एंड वॉच, अभी देखेंगे। अभी तक आपने सोचा नहीं है? नहीं नहीं, 5 साल हो चुके हैं कॉम्पिटिशन में, आरएलपी और बीजेपी कॉम्पिटिशन में साफ हो गया हमारा। देखो बीजेपी का रुख है अच्छा खासा, बाकी अभी और हम देखो चलेगा, देखते हैं तीन चार दिन समाज किस तरह। 5 साल हो चुके हैं, चुनाव में चंद दिन बाकी है, 5 साल हो गए ना? बिल्कुल। 5 साल तक विधायक रही आपकी इंदिरा बावरी, कैसा काम किया अभी भी आपने? देखो मेरा कोई पर्सनली कोई विधायक से काम पड़ा नहीं आज क्या, 15 साल में नहीं पड़ा मेरा तो, ठीक है। आज जनता सब सक्षम है, अपना काम सब निकालती, काम सामूहिक होना चाहिए, सबका होना चाहिए, हमारा काम होगा। जिसकी सरकार होगी उसका काम होगा। सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की बन रही है। सरकार बीजेपी की बन जाएगी, 110 से ज्यादा आएगी। काम होगा, सरकार में रहेंगे नहीं जनता, उसका ही काम होगा। लेकिन मेड़ता से हम कांग्रेस के साथ है, हरिजन है, हरिजन जाति का आदमी खड़ा किया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी हरिजन को टिकट मिला है, जो हमेशा रोज गरीब आदमी है, और जो बाकी कैंडिडेट हैं आरएलपी से जो है कैंडिडेट, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो फॉर्चुनर से उतरते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे हैं। हरिजन गरीब आदमी है और हम गरीब के साथ हैं, गरीब के साथ है जनता। यह भी माहौल बन रहा है, सिंपैथी मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंपैथी मिलेगी तीनों कैंडिडेटों, दो कैंडिडेट बीजेपी वाले को और कांग्रेस को, दोनों को सिंपैथी मिलेगी। क्या नाम है आपका? इंसाफ। इंसाफ थोड़ा साइड हो जाइए, कहाँ जाओगे इंसाफ जी आपकी बात? हम तो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में जाओगे? यस। ठीक, माना जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय होता है वो कांग्रेस के साथ माना जाता है, तो कुछ वैसा ही यहाँ रहेगा? हमारा तो ठेठ से सीधा है, कांग्रेस में जाते हैं हम तो। कांग्रेस को वोट देते चाहे कोई भी खड़ा हो। आपका क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार, राम अवतार क्या काम करते हो? मैं गाना बजाने का काम करता हूँ, गाने बजाने का काम करता हूँ। गाना बजाने का? अच्छा, यही काम करते हो मेड़ता में? हाँ मेड़ता में। यहीं के रहने वाले हो? कदरू गाँव में। वोट नहीं डलता है विधानसभा में, मेड़ता विधानसभा में? हाँ। कहाँ जाओगे? भाजपा को या कांग्रेस को या फिर आरएलपी को देखना चाहते हो? भाजपा को। भाजपा को, अच्छा। तो यहाँ पे अनबन हो चुकी है, हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय आप तक पहुँचाई। ये मेड़ता विधानसभा थी, अनबन हो रही है, कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई आरएलपी, तमाम नेताओं को लेकर अपनी अपनी राय बताई जा रही है लोगों के द्वारा। अब देखना ये रोचक होगा कि 3 दिसंबर को यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, मेड़ता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।